पठान, किस लिए आए हो? क्या चाहते हो पठान? घबराओ नहीं, हम तेरे को ये फोटो दिखाने को लाया है। देखो देखो, ये क्या है? जो बोले कमाल है जी, जालिम अपने औलाद को नहीं जानते, तुम कैसे बाप है भाई? जी हम जाता ही को त्वाली, तुम नहीं जानते डकैती का सजा कितने बरस का होते है। पठान हाथ हटा के बात करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, पुलिस में मत जाना और ये तस्वीर मुझे भेज दो। वो जालिम, तुम हर चीज बेचता है, हर चीज खरीदता है, कुछ अपना ईमान, कुछ अपना धर्म, मगर हम पता नहीं सौदागर नहीं है, ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है। ये फोटो तुमको एक तरीके से मिल सकता है। कैसे? कुछ गौरी नाम का कोई औरत को जानता है? नहीं नहीं, जानता हूँ बाबा जानता हूँ। कुछ बुजदिल पहले खाए को कबूल नहीं करते, जो अपने बेईमान बेटे को बोलो खौफ खाए खुदा का, कबूल करे अपनी औरत को, नहीं तो आम कोतवाल जाएगा, कुछ तुम तुम्हारा औलाद हवालात जाएगा। हवालात की बात मत करो पठान, मेरा दिल बहुत कमजोर है। बाप भी कबूल करेगा और बेटा भी कबूल करेगा। बेहतर बेहतर, हम जाते हैं। कुछ वो इधर आएगा, पीर गड़बड़ हुआ, हम पठान है, जबान का सच्चा है, आज का पाका है। अस्सलाम वालेकुम। मगर पठान ये फोटो तो देते जाओ। जी जालिम, एक यादगार तो छोड़ो। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। नमस्ते नमस्ते। अब ठाकुर साहब कैसे हैं? वैसे ही। अच्छा बैठो, शेखर यही है। अच्छा मैंने कहा नमस्ते बेला जी। क्यों, क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई क्या? जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं है, आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ। वो भी तो आप ही की गाड़ी है, आइए ना, आइए चलिए आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? ये रास्ता हमारे घर का तो नहीं है। बेला जी सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। गाड़ी क्यों रुक? जी मेरा ख्याल है कि मैं इसका इंजन गर्म हो गया, मैं अभी देखता हूँ एक मिनट में। बेला जी देखिए तो चांदनी कैसा गजब ढा रही है, और इस चांदनी में खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत नजर आती है, जैसे कि आप। क्या बकते हो? मैं सच कहता हूं, चांदनी में आप और निखर आई हैं बेला जी। अच्छा बरफ़का, अभी बोलो कितने चांद नजर आते हैं। तमाशा खत्म हो गया, अपना घर जाओ, चांद भी बहुत थक गया है। वही देखता क्या है, अपना घर जाओ। चिढ़ता ही क्या, चलो हम छोड़ के आते। चलो चलो चलो, हाँ बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो। क्या चौकड़ी के मामले बैठते हैं।
अच्छा मेम साहब, आप शादी बनाई? वल्ला हम भी शादी बनाई, मगर हमारा औरत वही वही अल्लाह का कसम गुस्सा का बहुत तेज जी। आपकी मर्द कैसे? आपसे मतलब? वही 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 गुस्सा करता है अल्लाह कसम, एकदम हमारा औरत लगती। गाड़ी रोको। अच्छा तुम पहले अपना गुस्सा रोको। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। जी जालिम ऐसे प्यार से बोलो, गाड़ी क्या हम कयामत रोक सकते है। लो अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के। ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के। हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर को मानते। तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर को मानते। मेरा फसाना पता या ठिकाना अगर पूछते जानते। ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के। जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे, इन वीरानों में एक बार फिर खो जाएंगे। है जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे, इन वीरानों में एक बार फिर खो जाएंगे। संग में गुजारे जो दिन प्यारे प्यारे सदा हमको याद आएंगे। ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के। एक भूली हुई बिसरी हुई पहचान हूँ, एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान हूँ। एक भूली हुई बिसरी हुई पहचान हूँ, एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान हूँ। मैंने ये माना कि मैं हूँ दीवाना मगर एक इंसान हूँ। ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के। ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और, न देखा हुस्न का ये जार, न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के, वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के।
गौरी, तुम तुम्हें यहां किसने आने दिया? मैंने। जाओ बेटा, तुम खाना वाना लगाओ। आपने? पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? दो ही रास्ते थे राधे, या तो इसे घर में आने देता या तुम्हें जेल जाने देता। जेल से तो ये घर अच्छा है, क्या समझे? हाँ? क्यों, क्या हुआ? जी नहीं, हाँ? कुछ नहीं। समस्या गंभीर है, कह जो दिया नहीं मिलेगी। महीना हुआ छुट्टी भी उड़ाओ और ऊपर से तनख्वाह भी मांगो। वाह भाई वाह वाह वाह। लेकिन मुनीम जी, मेरी छुट्टी तो शेखर बाबू ने मंजूर की थी। अरे शेखर बाबू ने मंजूर की थी तो नए मैनेजर साहब ने ना मंजूर कर दी, समस्या गंभीर है। और अगर चाहो तो शेखर बाबू के पास शिकायत ले जा सकते हो। जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गया। पूरी फौज लेकर आए हैं मारने के लिए। मारिए, लूटिए। लूट कौन रहा है? मजदूर आपको या मजदूरों? ये बेचारे क्या लूटेंगे किसी को? क्या ये ठीक है कि इस गरीब को इसकी जायज छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिल सकती? हाँ, नहीं मिल सकती। ये जुल्म है। जुल्म? बहुत खूब, रास्ता आपने अच्छा ढूंढा है। शेखर बाबू, गुस्सा था आपको जायदाद न मिलने का, मुकदमा मजदूरों का लाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं गोविंद राम, जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाएगा। ये तुम भी जानते हो। मैं खूब जानता हूं, ये बेवकूफ नहीं जानते। भेड़ चाल तो होती ही है इनमें। भेड़ों ने मान लिया, भेड़िया इनका हक दिलवाएगा। वो तो मैं दिलवा के रहूंगा गोविंद राम। कैसे? लाठी के जोर से, जबरदस्ती? मैं देखता हूं कौन जबरदस्ती करता है। एक मिनट पहलवान जी। आ, 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 देता हूँ भाई, देता हूँ। ए मुनीम जी, इन्हें दे दो जो ये मांगते हैं। हमारी जान बचाओ। समस्या गंभीर है। दीजिए, जान बचाइए उनकी। जी हाँ, आज मजदूरों की पलटन लेकर दफ्तर में आ धमके। वो तो कुछ भी कर गुजरते, बस ये समझ लीजिए कि आपके दर्शन के लिए जान बच गई। ये लीजिए अपनी दौलत और आज्ञा दीजिए। ठहरिए गोविंद राम जी, आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा? मैं तो जान भी दे सकता हूं। मैंने इस खानदान के पसीने पर अपना खून बहाया है, लेकिन अब नहीं देखा जा सकता। इस घर का दामाद ही इस घर को तबाह करने पर तुला हुआ है। सुन रही हो बेटा? सब कुछ सुनकर भी खामोश हो? ये बेचारी भी क्या करे, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए होंठ सी रखे हैं। कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? तुम्हें किसका डर है? मुझे किसी का डर नहीं। मैं आज ही फैसला किए देती हूँ।